नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप। मैं हूं रौनक। जय हिंद, आपका स्वागत। भारतीय टीम लगभग 6 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रही है और उनका मुकाबला चालू है बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन आज हम बात करेंगे भारतीय टेस्ट क्रिकेट के उस इतिहास के बारे में जिसने भारतीय क्रिकेट की दिशा और दशा बदल दी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लगभग 150 साल के इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जिन्होंने इस खेल को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। खासतौर पर जब बात किसी खिलाड़ी के निजी प्रदर्शन की होती है तो इसमें कई ऐसी पारियां, कई ऐसे गेंदबाजी स्पेल या फील्डिंग में कुछ ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन हुआ है जो खेल की पहचान बन गई है। करीब 90 सालों से इस खेल का अटूट हिस्सा भारत भी रहा है और जाहिर तौर पर भारत की ओर से भी इस खेल को बदलने में बड़ा योगदान रहा है। 1970 के दशक में भारत की स्पिन चौकड़ी ने इस विधा को अहम हथियार बनाने और पहचान देने में अहम भूमिका निभाई। 1983 में कपिल देव की टीम ने पूरे क्रिकेट जगत को चौंकाकर 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज को हराकर खिताब जीता था, वो भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से पहले। और क्रिकेट जगत में आगे भी भारत ने कई बार अपनी ताकत को डिस्प्ले किया है, दर्शाया है और विरोधियों को ध्वस्त किया है। तो आज क्रिको पर हम नजर डालेंगे भारत की ओर से खेली गई उन टॉप 5 टेस्ट पारियों पर जिसने हिंदुस्तान में क्रिकेट के मायने बदल दिए। पारी नंबर 1, वीवीएस लक्ष्मण 281 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2001। जिस तरह 83 वर्ल्ड कप की जीत की नींव कपिल देव की 175 रनों की पारी ने रखी थी, उसी तरह टेस्ट क्रिकेट में भारत के उत्थान की बुनियाद 21 साल पहले वीवीएस लक्ष्मण की 281 रनों की पारी ने रखी। फॉलो ऑन झेल रही टीम इंडिया ने लक्ष्मण के दम पर ऐसा कमबैक किया कि ऑस्ट्रेलिया का हौसला कम हो गया। वॉन, मेग्रा, गिलेस्पी, कास्पर जैसे धुरंधर गेंदबाजों से लैस ऑस्ट्रेलियन टीम का लक्ष्मण ने इतनी खूबसूरती से सामना किया, ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया, भारतीय फैंस भी हैरान हो गए। द्रविड़ के साथ मिलकर लक्ष्मण ने 376 रन जोड़े, भारत को एक हारे हुए टेस्ट मैच में जीत दिलाई और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लगातार 16 टेस्ट मैचों की जीत का सिलसिला भी तोड़ डाला। पारी नंबर 2, राहुल द्रविड 180 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेम मैच 2001। कोलकाता टेस्ट में वीवीएस लक्ष्मण की जोड़ीदार राहुल द्रविड ने उस मैच में 180 रनों की पारी खेलकर वीवीएस को जमकर सपोर्ट किया। गौर करने की बात यह है कि दीवार नाम से जाने जाने वाले राहुल द्रविड उस दौरान खराब फॉर्म से गुजर रहे थे। उन्हें बल्लेबाजी क्रम में कप्तान गांगुली ने डिमोट किया था और उनकी जगह लक्ष्मण को नंबर 3 पर खिलाया। गांगुली द्वारा लिया गया यह फैसला टीम इंडिया के लिए उतना उपयोगी साबित होगा शायद खुद गांगुली ने भी नहीं सोचा था। लक्ष्मण और द्रविड ने 2 दिन तक बल्लेबाजी करके इंडिया को न सिर्फ फॉलो ऑन के बाद मैच में वापस लाकर खड़ा किया बल्कि स्टीव वॉन कंपनी के इंडिया में सीरीज के जीत के सपने पर पानी फेर दिया। अब बात करते हैं पारी नंबर 3, वीरेंद्र सहवाग 309 रन वर्सेस पाकिस्तान सन 2004। टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग ने 28 मार्च 2004 को मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 13 शतक लगाया। टीम इंडिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले वीरेंद्र सहवाग भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर बने। उस धमाकेदार पारी के बाद सहवाग को मुल्तान का सुल्तान बुलाया जाने लगा। भारत ने पाकिस्तान से ये टेस्ट मैच 1 पारी और 52 रनों से जीता। मैच में ऐतिहासिक 309 रनों की पारी खेलने वाले वीरेंद्र सहवाग को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। अब बढ़ते पारी नंबर 4 की तरफ, सचिन तेंदुलकर 241 रन वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सन 2004। दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2004 में सिडनी में खेली गई 241 रन की बेहतरीन पारी कौन ही भूल सकता है, जिसे ब्रायन लारा ने सबसे अनुशासित पारियों में से एक करार देते हुए जीवन में इससे सीख लेने की सलाह दी। तेंदुलकर ने इस पारी में ऑफ स्टंप से बाहर एक भी शॉट नहीं लगाने का फैसला किया था और अपने 241 में से 188 रन केवल लेग साइड पे बनाए। लारा ने अपने एक इंस्टा पोस्ट में लिखा था, सचिन हमारे शानदार खेल क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक है। हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 241 रन की पारी से जीवन में कुछ भी करने के लिए जरूरी अनुशासन सीख सकते। उस मैच से पहले सचिन तेंदुलकर लगातार ऑफ स्टंप के बाहर आउट हो रहे थे और तब उन्होंने रणनीति बनाई कि वो ऑफ स्टंप के बाहर शॉट्स नहीं खेलेंगे। तेंदुलकर ने 10 घंटे 13 मिनट और कुल 436 गेंदों पर अपनी रणनीति पर वो कायम रहे और नाबाद 241 रन बनाए और उस समय का ये सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर था। अब बात करते हैं पारी नंबर 5, ऋषभ पंत 89 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया साल 2020। साल 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारत की दर्ज की गई जीत को उसके टेस्ट इतिहास की सबसे यादगार जीत माना जाता है। 4 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज को भारत ने 2-1 से अपने नाम किया था। सीरीज का निर्णायक मुकाबला गाबा में खेला गया था जहां 32 सालों में टीम इंडिया पहली ऐसी टीम बनी थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को इस मैदान पर हराया था और इस जीत के नायक बने ऋषभ पंत। गाबा टेस्ट में भारत को जीत के लिए 388 रनों का टारगेट मिला था और जब पंत की बल्लेबाजी आई तब भारत को जीत के लिए 161 रनों की दरकार थी। किसी भी टेस्ट मैच के 5वें दिन इतने रन बना पाना बेहद चुनौती भरा होता है, ऊपर से ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया के घर पर, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मगर पंत के पंच से ऑस्ट्रेलिया बच नहीं पाया। पंत के करियर की वो सबसे बेहतरीन पारी रही, 138 गेंदों पर बनाए गए उनके 89 रन टीम इंडिया के लिए संजीवनी बूटी का काम कर गए। वरना आप सोचिए, जो टीम उस दौरे पर 36 रनों पर पहले ऑल आउट हो चुकी थी, उस टीम की जीत की उम्मीद किसी ने भी नहीं रखी थी सिवाय ऋषभ पंत के, क्योंकि मैच के बाद खुद वही मैच खेल रहे अश्विन ने खुलासा किया कि 5वें दिन के खेल से पहले कोच रवि शास्त्री ने कहा था कि वो चाहते हैं टीम मैच को ड्रॉ कराए, लेकिन टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज पंत ने मैदान में जाकर मैच का पासा ऐसे पलट दिया जिससे टीम इंडिया इतिहास रचने में कामयाब रही। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसी लगी आपको ये 5
कुछ ऐतिहासिक पारियां या इसके अलावा भी किसी पारी के बारे में आप जिक्र करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। साथ ही आप बताइए इन पांच में से आपकी फेवरेट कौन सी है और आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है। और हाँ, जाने से पहले क्रिको को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ अपनी लोकेशन लिखना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और जबरदस्त वीडियो के साथ इसी चैनल पर। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।